आफ्टर ए स्पीडी एंड थ्रिलिंग राइड मज़ा आ गया। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अभी टाइम हो रहा है 5 बजी हैं सुबह की एंड आई एम इन जयपुर राइट नाउ। और पुष्कर से आया था मैं अभी, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही फास्ट में भी, तो मज़ा आया, मेरे को काफ़ी मज़ा आया। एंड आप जाओ पुष्कर तो नहीं, अजमेर, क्योंकि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की नहीं, थोड़ी बहुत हैसल थी उस वजह से, तो अजमेर से मैंने स्टार्ट किया था, अजमेर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। चलो, टाइम टू लीव अजमेर एंड राइट नाउ आई एम एट दिस बस स्टॉप, गवर्नमेंट बस स्टॉप। टीम मेंबर्स को ड्रॉप किया है और आई एम गोइंग बैक टू जयपुर। द टाइम राइट नाउ इज़ 2:39 AM। तो अभी यहाँ से निकलूँगा, अप्रोक्स 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। आराम से जाऊँगा अभी, क्योंकि रात का टाइम है। इट्स नॉट वेरी मच सेफ ज़्यादा हाई स्पीड पे रेव करने में। और टीम मेंबर्स भी एक्चुअली जयपुर ही जा रहे हैं, बट दे आर गोइंग बाय बस ही आए थे, तो बस से ही जाएंगे ना ब्रो। चलो, वैसे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, क्योंकि आई लव राइड्स एंड नाइट राइड्स आर, अलग ही मज़ा है उनका। यू कैन अंडरस्टैंड, आई थिंक सो। तो करते हैं मज़े। एंड आई एम लिटिल बिट सॉरी कि मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया था जो भी था हमारा सिस्टम, बिकॉज वर्कलोड इतना था कि मैं बिज़ी था, कुछ टाइम निकल नहीं पाया था। बट नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी होगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। एक्चुअली सर्दी तो काफ़ी पड़ रही है, लेकिन अपन ने अपना ये जैकेट डाल रखा है तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि मैं जहाँ भी रुक रहा हूँ वहाँ मेरे को बहुत ज़बरदस्त गर्मी लग रही है, मन करता है जैकेट उतार के फेंक दूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं टीममेट्स के साथ बस स्टैंड था, वहाँ भी मेरे को काफ़ी गर्मी लगने लग गई थी। बट एनीवेज़, अपने वो बाइक पे कंसंट्रेट करना है, सर्दी नहीं लगनी चाहिए, कंफर्टेबली बाइक चला लें, इतना काफ़ी अपने लिए। तो चलते हैं, जयपुर राइड स्टार्ट्स। नाइट में बाइक राइड करना और ऑन हाई स्पीड्स इज़ मच रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ राइडर, क्योंकि आप ना अपनी खुद की सेफ्टी प्लस और जो ड्राइवर्स हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चलानी है। ऊपर से ऐसा खुला हाईवे, तो मज़ा आना ही है बॉस। दिस इज़ नेक्स्ट लेवल फन। लेकिन फिर भी एक अलग से रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इतनी स्पीड में बाइक चलाना। आई एम रेविंग अराउंड 110-20 प्लस कंटिन्यूसली ऑन दिस हाईवे। इतना खुला हाईवे, मस्त हाईवे, मज़े आ रहे हैं मेरे को। तो अपनी बाइक में एज यू ऑल नो खाली एक हेडलाइट में जो चेंज है वो LED हेडलाइट लगा रखी है, बाकी अलग से कोई हेडलाइट नहीं लगा रखी, तो वो अंधेरे में कुछ विजिबल नहीं होता। ये करके मैं खाली जिधर रोड लाइट आ रही है उधर ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाकी तो अंधेरे में कुछ विजिबल होगा नहीं। जैसा कि आप लोग को अब दिख ही रहा होगा, रोड लाइट चली गई है, तो ऐसे अंधेरे में कुछ देख के कोई मतलब है नहीं। ये हाईवे पे मेरे को जो भी ट्रैफिक मिला है, ऑलमोस्ट 92% सारे ट्रक्स ही ट्रक्स इतने ट्रक मिले ना यार, मतलब कुछ जगह तो मन करता है कि कोई तो साइड दे दो इतनी हाई स्पीड में एकदम से ब्रेक मारने। चलो, अपना तो काम ही राइड करने का है। एंड नाउ आई एम अबाउट टू रीच जयपुर। इट्स ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर जयपुर। फटाफट से जाता हूँ, रूम पे जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर, फिर नेक्स्ट राइड की तैयारी। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर। फाइनली आई हैव रीच्ड जयपुर। मज़े आ गए रात भर राइड करके। नाइट राइड इज़ रियली नेक्स्ट लेवल फन, राइडर्स कैन अंडरस्टैंड दिस। अपने जैकेट ने बचा लिया खाली सर्दी लगने से, ना सर्दी लगी ना कोई और प्रॉब्लम हुई अपनी बाइक के साथ। एक्चुअली इसका चैन सेट चेंज करना है, चैन कट कट आवाज़ कर रही है, पर इट्स ओके टाइम मिलेगा तो चेंज कर लेंगे, एक राइड और करके आनी है उसके बाद में, उसका वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा। और तो क्या है, बस ज़िंदगी है, बाइक है, बाइकों से प्यार ही इतना है कि कट जा रही है, बाइक चल जा रही है, ज़िंदगी कट जा रही है। इट्स ऑसम फीलिंग यू नो। और इधर लेफ़्ट साइड में पीसीआर खड़ी दिख रही होगी। अभी खाली फटाफट से रूम पे जाता हूँ, बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है। ये इतने दिन मैं सोया काफ़ी कम था, तो फटाफट से रूम पे जाता हूँ, थोड़ी देर सोता हूँ, फिर नेक्स्ट राइड तो करनी ही है। बैक टू बैक राइड्स हैं अपनी, 2 राइड्स और करनी है, जाना है वापस आना है, ये 2 राइड्स हो जाएंगी। और अभी टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं, तो जाके सोना भी ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रॉपर स्लीप लंबी राइड्स कैन बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ एज वेल एज लाइफ ऑल्सो। तो ऐसा कभी मत करना, मेरी तो मजबूरी है और मैं ऑलमोस्ट हैबिचुअल भी हूँ इन चीज़ों का, इसलिए मैं कर लेता हूँ। बाकी मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग जब नींद आ रही हो उस टाइम पे लंबी राइड को निकलें, ये डेंजरस हो सकता है यू नो, इसलिए कभी नहीं करने का। अभी अपनी ट्रिप हो गई है ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स, जाना आना सब कुछ, उधर भी थोड़ा बहुत काम था बाइक से, वो सब कंप्लीट किया। तो ये ट्रिप और भी लंबी जाएगी, ये इसकी अलग प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा मैं, आप लोग चेक कर सकते हो। वैसे बहुत मज़े आते हैं यू नो, अगर बाइक से चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं बाइक से, कहीं भी जा रहे हो, चाहे राइडिंग ऑन टू व्हील्स इज़ नेक्स्ट लेवल फन, समझ ही गए होंगे आप लोग। So I am finally at my destination. ये जैकेट ने बचा लिया बॉस सर्दी मरने से, नहीं तो भयंकर वाली वाट लग जाती है अपनी। वैसे अभी तो रुका हुआ हूँ मैं, मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, बट इट्स ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाई स्पीड में रेव करते हैं जब बाइक, तो उस टाइम पे पूरा सारे सेंसेस एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये तो खैर आप लोग बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, पता हो गए आप लोग को। तो मज़ा आ गई, अच्छी खासी ट्रिप हो गई, 450 अप्रोक्स 430 किलोमीटर्स। तो आई एन्जॉयड द ट्रिप, और टीम मेंबर्स भी अच्छे थे, मज़े आ गए काफ़ी। तो ऐसे ही मज़े करते रहेंगे ज़िंदगी में, एक ही ज़िंदगी मिली है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।